तो हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हैं। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज ऐसे क्वेश्चन लेके आए हूँ मैं आपके सामने। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? क्वेश्चन नंबर वन क्या है, कह रहा है सिद्ध करो आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 10x dx बराबर में 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार लगातार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने पहले पार्ट वन नहीं देखा है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो जरूर देख लो। उसमें एक क्वेश्चन मैंने बताया जिसे 16 से 17 क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो और ज्यादा भी कर सकते हो, वो अगले पार्ट में लेके आऊंगा, बाकी उसको जरूर देखना। ठीक, 5 से 10 मिनट का वीडियो है आपका, उससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, इस पर लिख के रख लो आप। ठीक, चलो इसको देखते हैं, इसको करना में कैसे है। तो देखो, हमें क्या दिया है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पहले हमें जो दिया गया है, आई इक्वल टू मान लिया हमने 0 से π/2 लॉग 10x और dx, ये समीकरण नंबर एक मान लिया हमने। ठीक है, अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें किंग प्रॉपर्टी होती है आपकी। क्या प्रॉपर्टी होती है वो, अगर आपको पता है कि 0 से a लिमिट दी गई है, fx कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप अपर लिमिट से x घटा के नहीं सकते हो। ये आपकी किंग प्रॉपर्टी, ज्यादातर सवालों में यही यूज होती है, इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो 0 से a लिमिट रहेगी, a की जगह क्या हो जाए, वो x की जगह a-x, तो f a-x और dx, अपर लिमिट से क्या करेंगे इस फंक्शन में जो x है उसको घटा के लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो आई इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट है, और ये लॉग, जहां पे एक्स है वहां π/2 - x हो जाएगा, 10 π/2 - x। ओके, अपर लिमिट जो भी होगी इससे एक्स घटाएंगे और dx। अब आप जानते हैं 10 π/2 - x, 10 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा लॉग कॉट एक्स, क्या बन जाएगा, कॉट एक्स dx 0 से π/2। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर दो हो गया, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी। अब एक और दो समीकरण दोनों को आपस में जोड़ दो, तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे, आई से आई जुड़ेगा, तो 2i इक्वल टू में लिमिट आपकी 0 से π/2 रहेगी। अब यहाँ पे देखो लॉग 10x हो जाएगा, लॉग 10x और प्लस ये है लॉग कॉट एक्स, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, और dx। ठीक है, अब आप एक लॉग में प्रॉपर्टी जानते हो, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लिखना इसके सामने। ठीक है, मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। और एक और प्रॉपर्टी, log में log 1 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, log 1 का मान क्या होता है, 0। तो देखो 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये log इसको m मान लो और इसको क्या मान लो, n, log m प्लस log n, तो एम एन हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा लॉग एम एन 10x और इनटू में हो जाएगा कॉट एक्स और डीएक्स। अब आप जानते हो टेन कॉट एक दूसरे क्या होते हैं, पेयर होते हैं, टेन कॉट क्या होते हैं, पेयर, यानी कॉट को या तो 1/10 लिख लोगे, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, क्या बचेगा 1। तो अब देखो इसके बाद क्या करोगे, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 और ये बचा लॉग 1 dx, लॉग 1 का मान क्या होता है, 0, लॉग 1 का मान क्या होता है, 0, तो 0 आ गया, तो लिमिट कोई मतलब ही नहीं है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 अब 0 के बटे में जाएगा तो अभी 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर जो आपको प्रूफ करना था वो हो गया। ठीक है, इति सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है, समझ में आ गया वो। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं ध्यान से। आइए समझिए, क्वेश्चन नंबर टू है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि सिद्ध करो 0 से 1 लिमिट दी गई है, लॉग 1/x - 1 और dx बराबर में 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन। चलिए कैसे करते हैं, सबसे पहले i के इक्वल मान लो 0 से 1 लॉग 1/x - 1 और dx। ठीक है,
इसमें एक काम और कर लेते हैं, पहले इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान पड़ेगा, एलसीएम ले लेते हैं, तब आई के बराबर मान लेंगे। 0 से 1 लॉग एलसीएम लोगे तो नीचे एक्स हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स और डीएक्स, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आपने किंग प्रॉपर्टी लगानी है, बस जब कुछ ना समझ में आए इंटीग्रेशन में तो किंग प्रॉपर्टी लगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर 0 से a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो क्या कर सकते हैं, 0 से f a माइनस x a माइनस एक्स और डी एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 log 1 माइनस x की जगह अपर लिमिट से घटाएंगे, तो 1 तो ऐसे ही लिखा, माइनस ऐसे लगा दिया, अब माइनस लगाए तो ब्रैकेट लगा लेंगे, इससे x घटा देंगे, तो 1 माइनस x और अपॉन में 1 माइनस x और डी एक्स, क्योंकि नीचे भी तो x है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 1 ये हो जाएगा log, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाए तो -1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स, -1 + 1 कैंसिल हो जाए तो ऊपर बचेगा एक्स अपॉन में 1 माइनस x dx, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब तो सॉल्व होगा नहीं, तो बस क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को जोड़ने पर दोनों को ऐड करोगे तो क्या पाओगे, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू में लिमिट 0 से 1, समीकरण 1 का ही है, लॉग 1 माइनस x बटे में x प्लस लॉग x बटे में 1 माइनस x और dx। अब वही बात, लॉग की प्रॉपर्टी log m + log n, अभी बताया था इसको m मानो इसको n मानो, तो ये हो जाता है log m(n)। प्रॉपर्टी साइड में लिख दोगे, ठीक है, मेरे पास जगह उतनी नहीं है, नहीं तो अच्छे से क्वेश्चन को पूरा लिख के बताते, यहाँ पे ऐसे लिखना होता है। बस जो भी बात याद रखो, जो भी फॉर्मूला या जो भी बात आपको क्वेश्चन में दिखानी होगी तो वो साइड में दिखाते हैं, ठीक है। 2i इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट 0 से 1 log 1 माइनस x बटे में x इंटू x बटे में 1 माइनस x और dx, ठीक है, x से ही x कट गया, 1 माइनस x से 1 माइनस x, तो 2i बराबर में आ जाएगा 0 से 1 और ये बचेगा log 1 dx। log 1 का मान क्या होता है, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, 2i बराबर 0 तो i बराबर क्या आ जाएगा, 0, और ये भी आपका प्रूफ हो गया, इतनी सीधा, ठीक है, तो आपका 0 आ चुका है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, आपको दिया गया है 0 से 1 इंटीग्रेशन एक्स 1 माइनस x की पावर 4 dx, और इसका मान पूछा गया क्या होगा, ठीक है, इसका मान पूछा गया, तो इसको मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, i के बराबर मान लो, और प्रॉपर्टी लगाओ आप, क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी, ठीक, समीकरण 1 मान लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे काम आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे, इसका मान निकालना, तो किंग प्रॉपर्टी अगर आप लगाओ तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 1 ये हो जाएगा 1 माइनस x, और अंदर ये देखो 1 माइनस, ये तो 1 माइनस पहले से है, अब इसे x को इससे घटाएंगे तो 1 माइनस x, ब्रैकेट लगा लेंगे जब भी माइनस लगाओ, और इसकी पावर क्या है, 4, इसकी पावर क्या है, 4 dx, ठीक है। जो प्रॉपर्टी यूज करना है वो यहाँ लिख देंगे, चूंकि 0 से a f x और dx बराबर क्या होता है, 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये हो जाएगा 0 से 1, ये 1 माइनस x, और ये देखो 1 माइनस, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का x हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल, x बचेगा, x की पावर 4 dx। अब ये देखो, इसको जोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ के और थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसी को सॉल्व करते रहते हैं हम लोग, इसी को सॉल्व करने का मतलब इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो i इक्वल टू 0 से 1 x की पावर 4 अंदर भेजेंगे, तो यहाँ x की पावर 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 5 और dx। अब आप जानते हैं इंटीग्रेशन आसान है इसका, x की पावर 4 का, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n dx, तो x की पावर n + 1 और बटे में जो पावर हो वो नीचे, ठीक है, तो पावर 4 है तो n + 1 करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा देते हैं, तो 4 है तो x की पावर 5 बटे में 5, ठीक है, माइनस x की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 और बटे में 6, ठीक है। लिमिट चाहो तो एक साथ ब्रैकेट बंद करके लगा दो, चाहे तो अलग अलग लगा दो, तो यहाँ से 0 से 1 और ये 0 से, ठीक, लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1 की पावर पहले हो जाएगा 5 और बटे में 5 माइनस,
जीरो की पावर फाइव और बटे में फाइव, ठीक। माइनस ये क्या हो जाएगा, वन की पावर सिक्स और बटे में सिक्स माइनस जीरो की पावर सिक्स बटे में सिक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जीरो की पावर, ये तो अनडिफाइंड वैल्यू है, और जीरो बटे कोई भी नंबर हो तो जीरो हो जाएगा, इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू, ये हो जाएगा वन की पावर फाइव, वन ही रहेगा, वन बाई फाइव, और ये माइनस ये हो जाएगा वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, पाँच से काटोगे तो ये छः बार, तो छः का मल्टीप्लाई ऊपर, छः एकम छः, माइनस छः से काटोगे पाँच बार, तो पाँच एकम पाँच, तो आई बराबर हो जाएगा, छः से कम करूँ 1/30, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट भी देखता हूँ, ठीक। जैसे आप कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग और नया पार्ट लेके आऊंगा, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को शेयर करना। ओके, आप वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना आपको पहले से, ठीक है। आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, जय।